नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि यहां कुछ गुंडों ने बीजेपी और हिंदू कार्यकर्ताओं पर बेरहमी के साथ हमला किया और हालात ऐसे बना दिए कि हजारों लोगों को घर द्वार छोड़ने पर मजबूर कर दिया और असम जैसे राज्यों में शरण लेनी पड़ी। बंगाल में बांग्लादेश की तरह हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ लगातार हर तरफ से आवाज उठ रही है। देश की जाने मानी हस्तियां भी प्रताड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए सामने आ रही है। इसी कड़ी में अब एससी एसटी वर्ग के 114 प्रोफेसरों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। इस पत्र में टीएमसी पर कार्रवाई की अपील की गई है। इस पत्र के मुताबिक चुनाव के बाद राज्य में भड़की हिंसा ने 11,000 लोगों को बेघर कर दिया है। इनमें अधिकांश अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से हैं। 40,000 लोग इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं और 1627 बर्बर हमले दर्ज किए गए। इसमें लिखा गया है कि हिंसा के दौरान 5,000 से ज्यादा घर जला दिए गए, वहीं 26 लोग मारे गए। इसके बाद 2,000 से ज्यादा लोगों को असम, झारखंड और ओडिशा में शरण लेनी पड़ी। पत्र के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर उस दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर न केवल जमकर अत्याचार किया बल्कि वहां हिंसा भड़काई, लोगों को मारा, औरतों से रेप किया और जमीन पर कब्जा कर लिया। इसलिए वो चाहते हैं कि एससी एसटी समुदाय को बचाने के लिए मामले में हस्तक्षेप किया जाए। साथ ही पत्र में कहा गया है कि एससी एसटी समुदाय के जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनके घर दोबारा से बनवाकर उनके पुनर्वास पर काम किया जाए, पीड़ितों को तत्काल प्रभाव से मेडिकल और अन्य सुविधाएं और सुरक्षा दी जाए। बता दें कि सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट के बैनर के तहत ये पत्र लिखा गया है। इस पर ड्यू के अफ्रीकन स्टडीज विभाग के पूर्व हेड प्रोफेसर सुरेश कुमार और ड्यू में ही लाइब्रेरी साइंस से जुड़े प्रोफेसर केपी सिंह के पहले पन्ने पर हस्ताक्षर हैं। दरअसल इससे पहले बंगाल हिंसा पर पूर्व सेना प्रमुख के साथ ही 140 पूर्व न्यायाधीश, नौकरशाह, राजनयिक, सेना और पुलिस के अधिकारियों ने गंभीर चिंता जताई थी। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने की मांग की। साथ ही 2093 महिला वकीलों ने भी भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना को पत्र लिखकर मामले में संज्ञान लेने की अपील की थी। तो वे 3 दिन पहले हिंसा पर कार्रवाई करने के लिए बिहार के 25 बुद्धिजीवियों ने बंगाल के राज्यपाल को पत्र भेजा है। 1 जून को लिखे इस पत्र की कॉपी राष्ट्रपति को भेजी गई है। इस पत्र पर 3 पूर्व जज, 5 पूर्व डीजीपी, डॉक्टर समेत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बुद्धिजीवी शामिल हैं। तो इस तरह से लगातार बंगाल हिंसा पर कार्रवाई करने की लगातार मांग जोर पकड़ रही है। खैर, अब देखना यह होगा कि इन पत्रों पर राष्ट्रपति क्या कुछ एक्शन लेते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।